हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ये ओम्ब्रे आईज एंड लिप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ आईज और लिप का मेकअप करके दिखाऊंगी, बाकी का मेकअप मैंने ऑलरेडी कर लिया था इसलिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ओम्ब्रे आईज और मेकअप लुक जो होते हैं, इसमें एक कलर डार्क होता है, एक कलर लाइट होता है, तो कुछ इस तरह का मेकअप होता है। तो सबसे पहले हम ओम्ब्रे आईज से स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से मेकअप होता है। सो एज यू कैन सी, मैंने अपना बेस पहले ही वर्क कर लिया है, अपना बेस मेकअप। और उसके बाद आई मेकअप को करने के लिए आईलिड्स पे पहले मैंने ये एनवाईबी का लिक्विड कंसीलर लगाया है, ताकि आईलिड्स पे जितनी डार्कनेस है वो एकदम हाइड हो जाए और बहुत ही अच्छा ब्राइट सा बेस मिले आई मेकअप के लिए। उसके बाद क्रीजिंग ना हो तो मैंने आईलिड्स को सेट करने के लिए ये फिट मी का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ये मार्स का आई शेडो पैलेट है। तो सबसे पहले मैंने ओम्ब्रे लुक क्रिएट करने के लिए ये येलो कलर लिया है, बिकॉज ओम्ब्रे लुक जब भी हम क्रिएट करते हैं तो इसी तरह के जो ब्राइट कलर्स होते हैं, रेडियंट कलर्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। सो क्रीज लाइन पे सबसे पहले मैंने येलो कलर इस्तेमाल किया, उसके बाद जस्ट उससे थोड़ा सा ही नीचे मैंने ऑरेंज कलर यूज़ किया है, ताकि येलो कलर भी दिखाई दे और ऑरेंज कलर भी दिखाई दे। तो इसी तरह से मैंने कलर को अच्छे से ब्लेंड किया है। उसके बाद ये रेड कलर की शेड ली है, बिकॉज दो कलर लाइट है तो एक ये रेड कलर थोड़ा डार्क है, बट इसको भी मैंने कम क्वांटिटी में यूज़ किया है, अदरवाइज़ बाकी के दो कलर्स वो हाइड हो जाएंगे इसलिए। इसके बाद ये पिंक वाला कलर मैंने यूज़ किया है अपने आईलिड्स के 1/3 पोर्शन में ही। सो अपने आईलिड्स में मैंने 3 कलर्स लगाने का डिसाइड किया। सो सबसे पहले मैंने ये पिंक कलर लगाया, उसके बाद सेंटर ऑफ द आईलिड्स में जहाँ पे आई बॉल्स होती है वहाँ पे मैंने ये शिमर पर्पल कलर लगाया है, और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है सभी कलर्स के साथ ये मिलके। सो जस्ट मैंने सेंटर ऑफ आईलिड्स में ये शिमर पर्पल कलर लगाया है। अब अपने आईज में थोड़ी सी डेप्थ देनी ज़रूरी है इस मेकअप में, तो मैंने थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए ब्लैक कलर का यूज़ किया है, और ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लेंड किया अच्छे से, और उसके बाद फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने अपने आईज के आउटर कॉर्नर्स पे एक वी शेप दी है अच्छी वाली, सो ताकि आईज बड़ी बड़ी लगे और डेप्थ मिल सके मेकअप को। उसके बाद मैंने शिमर ऑरेंज कलर से मैंने अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट किया है, और ब्लैक कलर से मैंने थोड़ा सा अपने लोअर लैश लाइन में कलर लगा लिया था, ताकि मुझे काजल की ज़रूरत ना पड़े इसलिए। उसके बाद स्टे क्विकी का मैं आई लिक्विड आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ, और एक बहुत अच्छा सा विंग ड्रॉ करना है मुझे। सो मैंने ये विंग क्रिएट किया है, ताकि मेरी आईज थोड़ी छोटी है तो बड़ी लगे और लुक अच्छा आता है विंग आई लाइनर से आईज का। उसके बाद मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारे से मैंने अपनी आई लैशेस को कर्ल कर लिया है, और क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शूट की थी सो मेरी लैशेस पे ऑलरेडी मस्कारा था, इसलिए मैंने फेक आई लैशेस नहीं की इस्तेमाल, बिकॉज मेरी आई लैशेस ऑलरेडी अभी थिक और हैवी लग रही थी इसलिए। एंड नाउ फॉर ओम्ब्रे लिप्स, तो सबसे पहले मैंने अपने लिप्स पे कॉम्पैक्ट पाउडर को डैप डैप करके लिप्स का नेचुरल कलर फेड आउट किया है, ताकि जो भी मैं कलर लगाऊँ वो अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद ये ब्रश की हेल्प से मैंने एक डार्क शेड अप्लाई किया है, बट थोड़ा सा गैप मैंने यहाँ बचाया है, ताकि जो भी ये गैप बचा है इसमें मैं एक लाइट लिप कलर अप्लाई कर सकूँ, बिकॉज एक डार्क कलर अप्लाई करना होता है हमें, फिर सेंटर में हमें लाइट शेड अप्लाई करना होता है। सो अपने अपर लिप और लोअर लिप दोनों में मैंने ये स्पेस बचाया है, ताकि इसमें मैं एक लाइट लिप शेड अप्लाई करूँ, और अब ये जो स्पेस बचा है इसमें मैं ये एनवाईबी की ऑरेंज लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, तो रेड एंड ऑरेंज में जो ओम्ब्रे लुक आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। सो ये तैयार है ये वाला लुक, और आप देख के बताना कि कैसे लगे आपको ये वीडियो।
सो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और कुछ आपको अलग देखने को मिला होगा इस बार। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छी अच्छी वीडियोस इन फ्यूचर आने वाली हैं और बहुत जल्द आने वाली है। सो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स लिख के ज़रूर बताना, और आपकी भी कोई रिक्वेस्ट हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। सो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी ट्राई करने का। सो टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।